आप देख रहे हैं न्यूज बिहार, बिहार का नंबर वन डिजिटल चैनल। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बिहार में। मुजफ्फरपुर महापाप की लहर किस कदर लोगों पर छाई हुई है ये आपको पता ही होगा, मानवता को कितना इसने शर्मसार कर दिया है। लेकिन इसमें बड़ा एक और खुलासा हो गया है बिहार के पूर्व समाज कल्याण मंत्री परवीन अमानुल्लाह के बयान के बाद। अब क्या कहा है परवीन अमानुल्लाह ने, यह हम आपको विस्तार से बताते हैं। परवीन अमानुल्लाह भी पूर्व में बिहार में समाज कल्याण मंत्री रह चुकी हैं और उन्होंने समाज कल्याण मंत्रालय संभाला था। इस बीच उन्होंने कहा है कि जब हम भी कार्यकाल में थे उस वक्त भी अगर इस तरह की घटनाएं तो नहीं होती थी, ना ये मेरे संज्ञान में आई थी, लेकिन अगर ऐसी कोई चूक होती है तो वो अधिकारियों या प्रशासनिक तौर पर जो लापरवाही होती है उसके तहत होती है। अब इस बयान को देखा जाए तो एक तरह से प्रवीण अमानुल्लाह ने सीधे सीधे प्रशासनिक तौर पर जो लापरवाही बरती जाती है उसको दोषी ठहराया है। एक तरफ सरकार की नीतियां हैं, दूसरी तरफ प्रशासन। अगर सरकार की तरफ से ऑर्डर नहीं मिलेगा तो प्रशासन काम कैसे करेगी, और अगर प्रशासन ही गड़बड़ी कर रही है तो उस वक्त जब आप सरकार में थी तो आपने कार्रवाई का आदेश क्यों नहीं दिया। अब देखने वाली बात यह है कि इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या कहता है। प्रवीण अमानुल्लाह ने क्या कहा यह हमने आपको बताया। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, सारे जो विभाग के दस्तावेज हैं उनके अंदर सारे होंगे, सारी प्रक्रिया अंकित है, वो सबको खोल करके देखना चाहिए कि कहाँ किससे किसके द्वारा क्या किया गया है और कैसे इस तरह का चीज़ होता रहा लगातार सालों साल से और किसी को भनक तक नहीं थी, और वो लड़कियाँ किस तरह के तकलीफ़ से गुजर रही थी ये तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि किस तरह का टॉर्चर उनके साथ हुआ है, और इसका जितना भी इसका बहिष्कार किया जाए वो कम है सारे कर्म करतूत का। किसको दोषी मानती हैं आप, ये वो तो जांच में पता चलेगा कौन दोषी है। ये पूरी जांच होनी चाहिए, बढ़िया से सबका वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सबके कामों का, सबके सबका लिखित है, ये तो पूरा ये रिकॉर्ड रहता है, सरकार का रिकॉर्ड्स है ये सब, उसमें जांच देख करके जांच होनी चाहिए। तो बिल्कुल हम तो बोले कि कोई भी विभाग में कुछ भी नहीं हो सकता है बिना अधिकारी के जानकारी के, तो बिना उनके जानकारी के जब हो नहीं सकता है तो इसका मतलब है कि वो जान रहे थे ये सब हो रहा था, उनकी जानकारी में था और वो किसी ना किसी तरह से उसको पहुंचा रहे थे, उसको फायदा मिल रहा था। हाँ बिल्कुल, वैसे ये इतना कोई संगीन मामला नहीं था। उस समय जो मामला होता आता था तो वो था जैसे चयन में गड़बड़ी हो रही है और फाइल मेरे पास आ गई है, गड़बड़ चयन की प्रक्रिया किया गया या उसमें मॉनिटरिंग ठीक ढंग से नहीं की जा रही है या मॉनिटरिंग में गड़बड़ी की गई या कोई तरह का वित्तीय अनियमितता हो रही। अब देखने वाली बात यह है कि इस पे सरकार में बैठे हुए लोग, क्योंकि उस वक्त भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, क्या जवाब देते हैं, या एक तरफ तेजस्वी यादव है उनका इस पर क्या घात होता है, या जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो इस पर किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन न्यूज बिहार आपको प्रत्येक खबरों के साथ अपडेट करता रहेगा, ये पक्का है। जो है न्यूज बिहार के साथ, धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।